हेलो फ्रेंड्स, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਪਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਦਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। एक चम्मच असी इहदे विच खंड दा पावांगे, एक चम्मच असी बेकिंग पाउडर दा, एक चम्मच असी ईस्ट दा पावांगे, अद्धा चम्मच असी बेकिंग सोडा पावांगे, तो एक चम्मच असी घ्यो दा भर के पा के ते आटे नू असी ए वाले नू कोसे पानी दे नाल गुन लवांगे। असी मौसम दे अकॉर्डिंग देख लांगे, जे मतलब जिदा हुण बरसात हैगी आ, मौसम थोड़ा ठंडा होया ते असी आटे नू हल्का जिहा कोसे पानी दे नाल गुन्नांगे ते इहनू असी एक सॉफ्ट जिहा डो जिहड़ा बना के तैयार कर लवांगे। इहदा आटा जिहड़ा साडा गुन्न के लग चुका है, हुण असी इहनू एक वड्डे मतलब भांडे विच कढ लवांगे, क्योंकि जिहड़ा आटा हैगा इह फुल के वी तैयार होना है, डबल होना हैगा, ते थोड़ा इहनू असी वड्डे भांडे विच कढ लवांगे कि जिहड़ा आटा बाहर ना आ जावे फुल फुल्लण तों बाद। हुण असी इहदे विच कढ के रख लवांगे ते इक सूती कपड़े दे नाल इहनू ढक देवांगे। इह आटा असी 1.5-2 घंटे दे लई रखना है फुल्लण दे लई। 2 घंटे बाद असी देखांगे जिहड़ा साडा आटा हैगा इह फुल के तैयार हो चुका है। तो हुण असी मतलब अपनी स्लैब नूं चंगी तरह साफ करके उहदे ते असी पहला थोड़ा जिहा सुक्का आटा जिहड़ा मैदा हैगा उहनूं छिड़कांगे, तो इह वाले आटे नूं असी इहदे ते स्लैब उत्ते रख के एक वारी मल लवांगे चंगी तरह सुक्का आटा लगा के। इस तरह चंगी तरह मल के चंगी तरह जिहड़ा साइडां सारियां चंगी तरह बंद करके ते इहनू असी इदां एक वड्डी जिही रोटी जिद्दां बनांदे उदां बना के रख देवांगे गोल शेप च। फिर असी एक करदे नाल इहदे विच इस तरह कट लगा लवांगे, इस तरह असी इहदे पीस कट के रख लवांगे तां जो जिहड़े सानूं पेड़े करने ईजी हो जाण। इस तरह असी इहनां विच्चों एक जिहदा पीस चक लवांगे आटे दा ते इहनूं असी चंगी तरह पेड़ा बना के तैयार कर लवांगे। एक साइड ते असी एक ट्रे लवांगे, उत्ते असी चंगी तरह घिओ दे नाल ग्रीसिंग करके फिर असी थोड़ा जिहा मैदा छिड़क देवांगे तां जो जिहड़े साडे पाओ है नाल ना चिपकण। इस तरह असी अपने सारे पेड़े इहदे उत्ते रख देवांगे। जिन्ने भी पेड़े असी बनाने आ उहदे विच असी ध्यान इह रखणा हैगा कि जिहड़े उहदे जिन्ने भी मतलब बहुत अच्छी तरह पेड़ा चंगी तरह बंद होवे सारे पास्यों, कि खुला ना होवे उहदा मूँह, बिल्कुल चंगी तरह गोल होवे नीचे वाली साइड तो भी ते उपर वाली साइड तो भी। इस तरह चंगी तरह उहनूं बंद कर देना, ते जे असी इहनूं सुक्का मैदा थोड़ा लगावांगे ना ते खोल सकदा हैगा, इस करके इहनूं तुसीं घिओ वाला हाथ थोड़ा जिहा लगा लो जे लोड पवे। तां लो जी, जिहड़े साडे सारे पेड़े आ बन के तैयार हो चुके आ। हुण थोड़ी देर दे लई असी इहनां नूं ढक देवांगे तां जो थोड़ी देर दे लई कि इह थोड़े जे फुल जाण। इह असी 1/2 घंटे दे लई रखांगे ढक के। 1/2 घंटे बाद असी इहनां नूं देखांगे, जे गर्मी दा मौसम होवे ते 1/2 घंटा बहुत है, जे सर्दी होवे ते थोड़ा टाइम वध लैंदे आ फुल्लण दे लई, इस करके आपां इहनां ढक के रख दिंदे आ थोड़े समें दे लई। ओवन नूं असी पहलां प्रीहीट करन लई रख दित्ता, इहनूं असी 20 मिंट प्रीहीट करांगे। इहदे लई असी इहदियां दोनों राडां चला दित्तियां है ते जिहड़ा इहदा टैंपरेचर आ उह असी 200 डिग्री कर दित्ता है। जदों ओवन प्रीहीट हो जाएगा ते फिर असी इहदे विच अपने पाओ रख देवांगे ते असी इहनां नूं 10-15 मिंट दे लई रखांगे। 10-15 मिंट तक इह बन जाणगे। मैं 15 मिंट दा टाइम लाया सीगा पर इहनां ने 10 मिंट ही ले ने, ते जिहड़े साडे पाओ है देखो बन के तैयार हो चुके आ। हुण मैं तुहानूं इह कढ के दिखांदी आं बाहर। देखो जी, जिहड़े साडे पाओ है बन के तैयार हो चुके आ, इह बहुत ही ज़्यादा जिहड़े सॉफ्ट बने आ, पूरे रूं दे तरह पोले ने। ते हुण असी इहनां दे उत्ते असी घिओ लगा देवांगे। इस तरह असी चम्मच दे नाल सारे पाओ उत्ते जिहड़े चंगी तरह असी घिओ लगा देवांगे। देखो मैं तुहानूं इक पाओ दिखाउंदी आ कि किन्ने सॉफ्ट बने आ, पूरे रूं दी तरह पोले बने ने। ते मैं तुहानूं विच्चों वी कट के दिखाउंदी आ, इहदे विच जिहड़ी जाली आ उह वी किन्नी सोहणी बणी है, बहुत वधिया तरीके नाल बने ने। तुसीं वी इहनां नूं इस तरह बना के देखो ते ट्राई करके दसो किद्दां दे बने आ। देखो अंदरों वी किन्ने सोहणे बने आ, बिल्कुल सॉफ्ट ने।
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ।